हाँ जी बेटा, सो वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था कर लिया था, तो एक मिनट में शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, और 1.2 से रिलेटेड जो कंसेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं 1.2 के क्वेश्चन को, डिटेल में कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो यार, क्वेश्चन 1 बड़ा सिंपल से मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। आई होप सो आप लोग ये वाली एक्सरसाइज अटेम्प्ट करके आए हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 पे ध्यान दो। एक्सप्रेस ईच नंबर और फोकस करके पढ़ना है। पेन कॉपी लेके बैठेंगे, रजिस्टर लेके बैठेंगे, प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कोई डिफिकल्टी है कमेंट सेक्शन बता देना, इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, फिर भी अपन देख लेंगे उसको, आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, और ये आपका कौन सा बनता है, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। देखो रिविजन करा करो चीजों का, ठीक है ना। अगर आप अभी कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उसको पुराने चीज से लिंक करो तो याद रहेगा लंबे टाइम तक। तो मुझे 140 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्योंकि इवन नंबर दिख रहा है यार, उसे तो डिविजिबल होगा ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये अपना फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक होता है। तो 140 को अगर मुझे लिखना है तो सिंपल सा हो गया ना, मैं एक दो ही करके बताऊंगा आपको चीज। तो 140 का 14 मल्टीप्लाई 10, जिसको 2 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हो, और इसको 2 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हो। तो 140 जो आपका बनेगा, तो 140 सिंपल सा आपका बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, ऐसे ही आपको 156 को ब्रेक करना है, ऐसे आपको 3825 को ब्रेक करना है, ऐसे आपको 5005 को, ऐसे 7429 को। एक एक एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। अब कहोगे सर करने में दिक्कत होती है, हमें पता नहीं लगता कि 2 से डिवाइड करके देखे 3 से देखे। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। नोट करो इस चीज को, क्या आना चाहिए आपको, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, अदरवाइज आपको पता होगा। 8th क्लास में जाओ, 2 की डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। कोई नंबर इवन है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होना खत्म हो जाए, फिर 3 के लिए अपन कैसे चेक करते हैं, अगर डिजिट्स का सम निकालते हैं। अगर डिजिट का हम सम 3 से डिवाइड हो रहा है, पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, आपको 3 से तो चेक करना होता है। फिर 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आना चाहिए। फिर 7 के लिए आप करके देखो, कोई अलग से रूल नहीं बताऊंगा। ऐसे 11 13 17 ऐसे आपको कर करके देखना, टेबल आपको आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, टेबल्स आती हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा, अगर आपको टेबल्स नहीं आती है तो दिक्कत आएगी। समझ गए इस बात को। चलो, आई होप सो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को समस्या नहीं होगी, आप लोगों ने कर भी दिया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम मतलब लपेटना है। प्रोसीजर क्या था इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, इसका पावर के फॉर्म में लिखोगे, सबको लपेटोगे जितने भी, और बड़ी बड़ी पावर लपेट। ठीक है, और एचसीएफ में आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सिर्फ कॉमन कॉमन वाले उठाना है और विद छोटी छोटी पावर। ठीक है, तो पहले तो आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, बाद में एलसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ इसके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, 26 और 91 की बात करता हूँ। आपको 26 को पहले ब्रेक करोगे बेटा जी, 2 इंटू 13 होता है ये, तो 2 की पावर 13 की पावर 1 हो गया। 91 की बात करोगे तो 13 7 जो 91 होता है, तो आप इसको देखोगे 7 मल्टीप्लाई 13 पावर 1 पावर 1। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, अगर मैं आपको बोलूं एचसीएफ क्या निकालो, एचसीएफ होता है कॉमन कॉमन उठाओ। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, नहीं है, यहाँ पे नीचे 13 दोनों जगह दिख रहा है आपको, तो एचसीएफ आएगा 13, कॉमन नंबर 13 है और पावर 1 ही है, तो इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या बात करें, 13 की पावर 1 यानी 13 इसका एचसीएफ है। एलसीएम की अगर अपन बात करें, एलसीएम में सबको लपेटो, देखो 2 भी है लपेट लो, 7 भी है ले लो, 13 भी है ले लो, 2 की पावर 1 हाईएस्ट ले लो, 7 पावर 1 हाईएस्ट ले लो, 13 पावर 1 हाईएस्ट ले लो। ठीक है, तो 13 7 91 मल्टीप्लाई बाई 2 की बात करें तो आपका आ जाएगा 182, तो एलसीएम आएगा 182। आधा काम पूरा हुआ है अब इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहले एलसीएम एचसीएफ निकाला जो कि आपने निकाल लिया। इसके अगर सेकंड वर्क की बात करें, कलर चेंज करके बताता हूँ, सेकंड वर्क जो होगा तो आप इसका क्या करोगे, ये वेरीफाई करना है आपको कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो आप एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लिखो, तो जब आप इनका प्रोडक्ट लिखोगे तो प्रोडक्ट आएगा, एलसीएम आपका आ रहा है 182 और एचसीएफ आपका आ रहा है 13। पहला मेथड आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, दूसरा मेथड आप इसको ब्रेक करके लिखो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम जाता है यार, ब्रेक करो। तो 182 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 2 इंटू 7 इंटू 13 और 1 13 एचसीएफ वाला। तो ये आपका हो गया एलएचएस, जो आपका रिलेशन है ना, कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है वो नंबर प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि 26 और 91 के इक्वल आएगा। तो आप एलसीएम और एचसीएफ, आपने एलएचएस पार्ट को चेक करके देखा है, तो एलएचएस है आपका 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। अब आरएचएस पे फोकस करो, आरएचएस पे फोकस करो, तो आरएचएस है 26 इंटू 91, 26 का मतलब ब्रेक करके लिखो, तो 2 इंटू 13 और 91 है 7 इंटू 13। ध्यान से देखो,
RHS में जो ये आ रहा है 213 713 LHS वाले के इक्वल है, मतलब मैंने बिना मल्टीप्लाई करे हुए, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, मैंने बिना मल्टीप्लाई करे हुए बता दिया कि LHS RHS अपना क्या आ रहा है सेम। तो ये मेथड इजी पड़ेगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हो सकता है टेबल के वजह से आप गलती करो। तो आई होप सो आप क्वेश्चन कर लेंगे, फटाफट नोट कर लो, इरेज कर रहा हूँ मैं इस चीज को, पॉज करके नोट कर लो। सेम आपको 510.92 का एलसीएम एचसीएफ निकालना और बाद में आपको इस चीज को वेरीफाई करना है। मुझे अपंग बच्चे नहीं चाहिए यहाँ पे, अपंग बोले तो मेंटली कि वो करके नहीं देख रहे, करके देखो खुद से, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजों को, करके खुद से देखना इसको। ऐसे आपको 330 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो एक्सपेरेंट की फॉर्म में लिखो, ठीक है 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम उसका एक्सपेरेंट फॉर्म में लिखो, दोनों का एलसीएम निकालो, लपेटो बड़ी बड़ी पावर को और सबको लो, ठीक है, और एचसीएफ निकालो, चेक करो इस चीज को, इसका एलएचएस उठाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एलएचएस को ब्रेक करो, आरएचएस का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को भी ब्रेक करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, टाइम वेस्ट होगा फर्क, ठीक है। आगे चलें, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है नंबर का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें ये भी चेक करके देख लेंगे साइड बाई साइड कि तीन के लिए अप्लाई नहीं होगा, जो कि ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल बता चुका हूँ। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्यूशन ऐसे होगा, 12 के फैक्टर लिखोगे जो कि 4 × 3 होता है, 4 होता है 2 × 2, और 2 × 2 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर, 2 की पावर 2 होता है 4 × 3, ये आपका हो गया 12। 15 की बात करो तो 15 का मतलब हो गया 3 × 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 21 की बात करें तो ये हो गया 3 × 7, यानी कि 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अगर यहाँ पे आपको एच सी एफ देखना है तो देखो ध्यान से कॉमन क्या आ रहा है, 3 आपका पहले वाले में भी आ रहा है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी, 3 कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 3 की पावर छोटी क्या है 1, तो एचसीएफ आपका सिंपली 3 आ गया। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम आपको सबको लपेटना है, तो आपने 2 को भी लपेटा, आपने 3 को भी लपेटा, आपको 5 भी दिख रहा है ले लो, 7 भी दिख रहा है ले लो, छोट बड़ी बड़ी पावर, तो 2 की पावर 2 बड़ी दिख रही है ले लिया, 3 की पावर 1 ही है बड़ी ले लो, 5 पावर 1 ही बड़ी ले लो, 7 पावर 1 है बड़ी ले लो, आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42, × 10 = 420। तो एलसी अब मैंने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया उस पर भी ध्यान दो, मैंने 2 की पावर 2 को ऐसे लिख लिया मन में, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, मैंने 5 को 2 के साथ लिया कंबाइन किया तो 10 बन गया, ये 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42, तो ये बन गया 42 × 10 = 420, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो एलसीएम हो गया आपका 420। अब आपको HCF पता है 3, LCM पता है 420, तो जरा चेक करते हैं कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो है 3 × 420, देखोगे तो 0 आएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 1260 आ गया, ठीक है, और जरा इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 × 15 × 21, तो पहले मैं 21 की टेबल बोल लूँ, 21 5 = 5, 10 कैरी 21 21, और 31 × 12 किया तो 12 × 5 = 60, 6 × 12 = 18, 1 × 12 = 36 और 1 = 37, देखो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, और इक्वल आएगा भी नहीं, बाई चांस आ सकता है लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जैसे 2 नंबर का करते सेम प्रोसीजर 3 नंबर का है, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो आई होप सो आप इसका सेकेंड पार्ट कर पाएंगे, ठीक है, 17 भी प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, तो आप 17 को लिखोगे 17 की पावर 1, ठीक है, 23 को लिखोगे 23 की पावर 1, और 29 को 29 की पावर। अब कहो सर इसका एचसीएफ क्या निकालें, तो एचसीएफ कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई 1 तो सबके होता ही है ना, तो जब किसी चीज का कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा एचसीएफ, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 17 का मतलब आपने 1 × 17 ही तो लिखा है, 23 का मतलब 1 × 23 ही तो है, तो ये तो कॉमन है नहीं, तो 1 तो कॉमन रहेगा ही ना, ऐसे तीसरा भी ले लो 29, तो 1 × 29 ही तो है, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है हमेशा 1, ठीक है, इसलिए वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर दैट इज 1 ओनली, ठीक है, यही प्राइम नंबर होते हैं ना, तो 17, 23, 29 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ आएगा 1, और एलसीएम क्या आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि 17 पकड़ना पड़ेगा, लपेटोगे ना सबको, 17 लो 23 लो 29 लो, तो एलसीएम आएगा इनका तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके ऊपर वो तो बता देना भाई, सेम आपको उसका करना है। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आर क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि एचसीएफ इन दोनों नंबर का, एचसीएफ तो 9 है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एचसीएफ है मेरा 9, आपको एलसीएम फाइंड करना है,
वो नंबर है मेरे पास में 306 और 657, ये दो नंबर है। कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी? प्रॉपर्टी ये काम आएगी, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है नंबर का प्रोडक्ट, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आपको एचसीएफ की वैल्यू पता है 9, तो मुझे एलसीएम की वैल्यू अगर निकालनी है तो एचसीएफ जो 9 है ये मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड विद। एलसीएम की वैल्यू आएगी 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, डिवाइड कर लो। अब देखो 306 जो है 9 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजिट का सम करो तो 6 प्लस 3 9, 9 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी होगा, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा, तो एलसीएम की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 34 मल्टीप्लाई 657। नाउ इट्स योर टास्क, अपने आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या है, ठीक है, दैट विल बी एलसीएम। तो प्रॉपर्टी कौन सी काम आई कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, कर लेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आपको बताना है 6 की पावर n 0 से एंड होगा नहीं होगा, तो क्या प्रोसीजर बताया था इसका कि 0 से एंड होने का मतलब नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब उस नंबर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, क्योंकि 10 का मतलब ही ये होता है, होता है कि नहीं होता है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं उस नंबर के फैक्टर करने पर, ठीक है। तो हमने करके देखा इस चीज को, तो भैया जो 6 की पावर n है इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 की पावर n, जो कि 2 की पावर n 3 की पावर n होगा। आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि टू गेट डिजिट 0 एट द एंड वी नीड टू बोथ 2 एंड 5, हमें दोनों 2 और 5 की नीड है कि नहीं है? बट हियर वी आर हैविंग ओनली 2 नॉट 5, तो बिना 5 के 2 तो 10 बना ही नहीं सकता, समझ रहे इस चीज को? तो बिना 5 के अगर 2 10 नहीं बना सकता तो क्या 6 की पावर n कभी भी 0 आ सकता है? लास्ट में ना प्रैक्टिकली करके देखो, अगर मैं n की जगह 1 रखूं 6 की पावर 1 6, एन की जगह 2 रखो 6 की पावर 2 36, एन की जगह 3 रख के देखो 6 की पावर 3 216, हमेशा 6 आ रहा है भाई, 0 तो आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो रीजन बता चुका हूँ, प्रॉपरली कैसे लिखते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको बताना है कि ये जो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और ये 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 ये कंपोजिट नंबर है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं बताइए 3 इंटू 7 ये प्राइम है कि कंपोजिट है, तो भैया आप बोलोगे 3 इंटू 7 जो 21 है ये एक्चुअल में कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि जो ये है ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये चीज अपन को 21 देख के क्यों पता लगी? ये चीज क्या, आपको 3 और 7 मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई चीज लिख गई तो पक्का 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, और यही नंबर इस 7 से भी डिवाइड, तो अपने फैक्टर से तो हर कोई डिवाइड होता ही है ना, ठीक है। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है कंपोजिट नंबर पता लगाने के लिए, वो किसी ना किसी से मल्टी डिवाइड होगा खुद को छोड़कर। तो देखो 21 है एक्चुअल में 3 इंटू 7, तो 21 से डिवाइड तो होगा ही, 1 से डिवाइड होगा ही, बट ये 3 से भी डिवाइड होगा, बट ये 7 से डिवाइड होगा, मतलब जो फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है वो हमेशा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, समझ गए? क्योंकि कंपोजिट नंबर ही प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि फैक्टर की फॉर्म है। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और बाद में 13 ऐड करो और फिर देखो किससे डिवाइड हो रहा है, लंबा मेथड, सिंपल सा मेथड है। मुझे तो ऐसा चाहिए कि जो भी नंबर है वो इस फॉर्मेट में आ जाए कि कोई नंबर मल्टीप्लाई बाई कोई नंबर, तो मैं कह दूंगा हाँ ये फर्स्ट वाले से भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है और इससे डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, कंपोजिट। कंपोजिट समझ में आ रहा है ना, कंपोजिट का मतलब जो वन और खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड हो जाए कम से कम एक नंबर से, ठीक है। तो क्या उस चीज को पता लगाने का आपको मल्टीप्लाई करना जरूरी है? नहीं, तो बिना मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो ये नंबर जो लिखा हुआ है, इधर सॉल्व कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन, तो आप इसको लिखोगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये गिवन नंबर है। आप मुझे बताइए क्या मैं इसमें 13 कॉमन ले सकता हूं? बोले जी बिल्कुल ले लो 13 कॉमन। जब मैं 13 कॉमन लिया तो यहां बचा 7, यहां बचा 11, ठीक है, दो नंबर तो बचे और प्लस में 1 जो कॉमन लिया है 13 मैंने यहां से, कॉमन मतलब डिवाइड करना, जब 13 में 13 कॉमन ले लो 0 नहीं बचता 1 बचता है, ठीक है, जैसे x में से x कॉमन लेने पे 1 बचता है, ठीक है। तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78। अब आप मुझे बताओ क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या नंबर 78 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। हाँ सर 2 से भी होगा, 78 में 2 आ रहा है, बट मुझे बता दो अगर मैं ब्रैकेट को सोल्व भी ना करूं अंदर वाली चीज को, इतना तो पता लग गया ना कि 13 मल्टीप्लाई समथिंग लिखा हुआ है तो पक्का नंबर 13 से डिवाइड तो हो गई होगा। और अगर ये नंबर 13 से डिवाइड हो गया, खुद खुद तो नहीं है ना 13, नंबर खुद तो बहुत बड़ा है 13 मल्टीप्लाई समथिंग,
ठीक है, बटे 13 से डिवाइड हो गया ना, तो जब नंबर 13 से डिवाइड हो गया तो क्या ये कंपोजिट बचा कि प्राइम बचा? कंपोजिट बचा। तो आप इसके बारे में कैसे लिखोगे? ये लाइन लिखोगे पहली, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर क्या लिखोगे? एज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13, सो इट इज हैविंग अ फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, सो दिस नंबर इज कंपोजिट। 78 के लिए भी लिख सकते हो कि 2 से डिविजिबल है, बट 13 से काम चल रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मोर चीजें क्लियर होगी। इधर ध्यान देखो, 7654321+5, क्या यहाँ 5 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूँ? बिल्कुल ले लो। जो 5 कॉमन होगा इधर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1+1। ठीक है, तो पहले सबको मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो। अब मुझे बता दो कि कुछ भी आए ब्रैकेट की वैल्यू, ब्रैकेट की वैल्यू चाहे कुछ भी आ जाए, मैं सोल्व ही नहीं कर रहा इसको, मुझे बताओ क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? बोला जी बिल्कुल है। तो जब नंबर 5 से डिविजिबल है तो क्या है प्राइम और कंपोजिट हुआ? कंपोजिट हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर 1 एंड इटसेल्फ, बट ये अदर देन 1 एंड इटसेल्फ 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, कैसे कह सकते हैं कि 5 नंबर खुद नहीं आ रहे? भाई मल्टीप्लाई में इसके साथ इतनी सारी चीजें, 5 मल्टीप्लाई समथिंग डिवाइड बाई 5 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बनता है। ठीक है, कि ये नंबर कंपोजिट है कि प्राइम है, तो ऑब्वियसली इसका तरीका क्या है? कुछ कॉमन आ रहे लो। अच्छा, ऐसा हो कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो सोल्व करके देख लेना भाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करके देख लेना किसके डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा है। अगर किसी के डिविजिबल हो रहा है, कंपोजिट नहीं हो रहा है, तो प्राइम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो जी आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझना जरूरी इसलिए है कि पता लगाना है पहले करना क्या। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इस वे में है, पढ़ो जरा क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है और ये सर्कुलर पाथ बनाऊंगा इसके। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया ने यहां से रनिंग करना स्टार्ट किया, ये पाथ उसने फॉलो किया। ठीक है, ये सोनिया जी हैं, ये 18 मिनट लगाती है एक चक्कर पूरा लगाता है। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, रवि भी सेम जगह से चालू करता है, बट रवि को लगते हैं 12 मिनट कंप्लीट कर। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन, तो होगा क्या कि रवि थोड़ा फास्ट है क्योंकि जल्दी कवर कर रहा है, सोनिया स्लो है। तो दोनों ने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद में रवि आगे निकल जाएगा, ठीक है, सोनिया रह जाएगी पीछे और वो चक्कर लगा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कितनी टाइम बाद मिलने वाले हैं? तो मुझे बताइए कि दोनों ने सेम साथ साथ चालू किया रनिंग करना, ठीक है, तो होगा क्या कि जो पहला चक्कर लगेगा, ठीक है, अगर हम रवि की बात कर लेते हैं, ये रवि की बात कर ले सोनिया की, 12 मिनट बाद में रवि चक्कर लगा के पहले पॉइंट पे आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा ना। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक चक्कर मार के 12 मिनट में रवि वापस यहाँ आएगा, बट तब तक सोनिया पीछे रहेगी कहीं पे। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे आ रही है पीछे, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है कवर करने में। हो सकता है कि सोनिया उस टाइम यहीं पहुंची हो, यानी कि राउंड इन्होंने ऐसे लगाया, हो सकता है कि रवि घूम के पूरे एक राउंड लगा के फर्स्ट पोजिशन पहुंच गया स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ST से नोट कर रहा हूँ, रवि एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंचे बट सोनिया अभी पीछे है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट होगा तो रवि 12 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर 24 मिनट बाद रवि दोबारा पहुंचेगा, 36 मिनट बाद रवि दोबारा पहुंचेगा, अगली बार पहुंचेगा। ठीक है, 12 × 4 = 48 मिनट बाद रवि के 4 राउंड पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, 60 मिनट में रवि के 5 राउंड पूरे होंगे, सेम जगह पे फर्स्ट पॉइंट पे आएगा, राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। सोनिया की कंडीशन क्या है? 18 मिनट में पहला राउंड कंप्लीट होगा, तब उसको रवि वहां मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आगे जा चुका है, रुके वेट थोड़ा ना करेगा। 36 मिनट में इसके 2 राउंड कंप्लीट होंगे, ठीक है, 54 मिनट में 3 राउंड कंप्लीट होंगे, 72 में 4 राउंड कंप्लीट होंगे, ठीक है, 90 में 5 राउंड कंप्लीट होंगे, ऐसे करके इनका चलता रहेगा। बट आप मुझे एक चीज बताओ, 36 मिनट पर क्या कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि 36 मिनट घड़ी में जब होंगे स्टार्ट करने के बाद 36 मिनट, तब तक रवि 3 राउंड कंप्लीट करके उस जगह पे मिलेगा और सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट होंगे, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्या कंसेप्ट आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा? कौन सा जाना पहचाना? अगर मैं किसी नंबर के एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले मल्टीपल फाइंड करते हैं, फिर कॉमन ढूंढते हैं, उसको लीस्ट वैल्यू ढूंढते हैं। तब ध्यान से देखो, मल्टीपल फाइंड करते तो आपने ये 12 और 18 के पहले मल्टीपल लिखे हैं, 12, 24, 36, ठीक है, 48,
60 या मल्टीपल लिख रहे हो, जो ये चीज देखिए मल्टीपल लिखे आपने 18 के मल्टीपल लिखे हैं, फिर आप कॉमन सर्च कर रहे हो, ठीक है। यहीं पर मैं 12 के मल्टीपल और लिखता हूँ, 72 ऐसे आएगा, ठीक है। देखो 72 भी कॉमन आ रहा है, तो पहले आपने मल्टीपल लिखे 12 के और 18 के, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन नहीं बताया मैंने आपको, मैं बता रहा हूँ करना क्या है, ठीक है, हो क्या रहा है, प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ में आ रही है। तो 72 मिनट भी कॉमन आ रहा है 30 से, पहले हमने मल्टीपल निकाले बिल्कुल सही आ रहा है, फिर हमने कॉमन ढूंढा 36 72, फिर हमने लीस्ट वैल्यू ढूंढी 36 मिनट। आपको समझ में आ रहा है कि 36 मिनट पे दोनों पहली बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस, लेकिन तब तक रवि के 3 राउंड पूरे हो चुके होंगे और सोनिया के 2 राउंड पूरे हो चुके होंगे, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन जब होती है कि जब दो लोग एक साथ चालू करते हैं, चक्कर लगाते हैं और कहीं मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या निकाला जाता है, एलसीएम, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। ये सेम सिचुएशन बनती है अगर हम स्कूल की बात करें कि स्कूलों के अंदर क्या होता है कि आपकी क्लास है, मान लेते हैं कि एक 1 to 8 क्लास का अलग टाइम टेबल चलता है, ठीक है, 9 to 12 का अलग टाइम टेबल चल रहा है, सुबह 8 AM पे दोनों की क्लासेस साथ चालू हुई है, ठीक है। हो सकता है कि 1 to 8 का पीरियड 30 मिनट का रखा गया हो, 9 to 12 का पीरियड 40 मिनट का रखा गया हो, तो होगा क्या, 8:30 पे पहला पीरियड लगेगा, ठीक है, वो किसका होगा, 1 to 8 का होगा, ठीक है। तो इसका पहला पीरियड लगेगा 30 मिनट 8:30 पे, अगला पीरियड लगेगा 9 बजे, फिर लगेगा 9:30 बजे, फिर लगेगा 10 बजे, फिर लगेगा 10:30 बजे, फिर लगेगा 11 बजे। 40 मिनट वाले पीरियड जो होंगे 9 to 12 वाले, तो इनकी घंटी बजेगी सबसे पहले वाली 9:40 पे, सॉरी 8 बजे चालू है ना, तो 8:40 पे। फिर अगले 40 मिनट की बात कर रहे हैं तो इसकी बेल लगेगी 9:20 पे, ठीक है। अगली बेल इसकी लगेगी 10 बजे, तो ध्यान से देखो 10 बजे तक इसके पीरियड हो चुके 8 से 8:30, 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड, और इसके हो जाएंगे 1 2 3 पीरियड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि दो बेल है लगना अलग अलग टाइम पे चालू हुई, अलग अलग टाइम इंटरवल 30 मिनट 40 मिनट, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम 30 और 40 का एलसीएम निकाल रहे हैं, जो कि हो रहा है 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, ठीक है। तो ध्यान से देखो 8 बजे के बाद में 10 बजे की अपन बात कर रहे हैं, तो 2 घंटे हुए ना, तो 2 घंटे बाद दोबारा बेल मैच कर रही है। तो ये वो क्वेश्चन है जिनमें अपन क्या कंसेप्ट लगता है, हमेशा एलसीएम मार्क करो उस चीज को, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पहले पता लगाना जरूरी ना, एलसीएम निकलेगा। अब ये तो ठीक है, बट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो क्या अप्रोच लगाओगे, तो आप सिंपल सा लिखोगे कि सोनिया, गिवन दैट सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड and Ravi take 12 minutes to drive 1 round, okay, so for finding the time at which they will meet again, we need to find LCM. ये लाइन आपको लिखनी है, रिपीट करो उस चीज को, सोनिया take 18 minutes to drive 1 round, लिखा, Ravi take 12 minutes round, 12 minutes time to round, for a complete round, ठीक है, ये given information है, फिर क्या लिखोगे, as we need to find at what time they will meet again, We need to find LCM. और जैसे ही आपने लाइन लिखी हमें LCM निकालने की नीड है, फिर आप अपना वही मेथड लगाओ, 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 into 3 into 3, यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, आपने 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1, फिर आपको LCM निकालना है, तो सबको लपेटो, 2 को लपेटा, 3 को लपेटा, बड़ी बड़ी पावर लपेटी, ठीक है, तो 4 into 9, 36, तो 36 मिनट बाद, ठीक है, वो दोबारा मिल जाएंगे, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक करेंगे रेशनल नंबर, थोड़ा पढ़ के आना, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, पढ़ के आना अच्छे से।